गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, आई एम आर के रंजन, पीजीटी केमिस्ट्री। टुडे आई स्टार्ट माय लेसन विद दिस वेरी न्यू टॉपिक एंड दिस टॉपिक आल्सो बिलोंग्स टू द सॉलिड स्टेट ओनली एंड इट्स नेम इज थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। स्टूडेंट्स, टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द packing of number of atoms in the unit cell here we are going to study a different topic which is the closed packed structure। हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये जो सॉलिड स्टेट में ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। आप देखेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन दिस वेरी टॉपिक एंड वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल डिस्कसिंग दिस वेरी लेसन, वी विल सी दैट देयर आर जनरली टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर फाउंड। दिस इज द ए बी टाइप विच इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड वन इज द ए बी सी टाइप which is known as a cubic closed packed structure, and it also comes under the face centered cubic structure। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे अगर आप इसको सुनेंगे तो इतना इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक में आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग जो है इसके बहुत सारे मैटर्स को देख पाएंगे। जैसे क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो है, इसमें फर्स्ट में क्या होता है कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इसमें क्या है कि जो आपके एटम्स होते हैं वो एक सीधी रेखा में अरेंज होते हैं। ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द टू ऑफ इट्स नेबर। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए कि एक लंबाई में बहुत सारे एटम्स अगर जुड़े हुए हैं सीधी रेखा में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो किसी एक एटम को अगर हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसके आगे और पीछे जो एक एक एटम होंगे वो होंगे। तो इस कंडीशन में अगर उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो वहाँ पर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बताना होगा। उसी तरीके से हम लोग आगे के इसमें देखेंगे, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है हम इसमें देखेंगे कि आपके दूसरे जो है स्ट्रक्चर, जैसे हेक्सागोनल पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब आप यहाँ पर देखिए, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम लोग एक सीधाई की बात करें, जैसे 1, 2, 3, 4, अगर हम इसे स्ट्रेट वे बात करेंगे, तो इसमें अगर हम यहाँ एक इस मॉलिक्यूल का, इस एटम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जानना चाहेंगे, तो इसका 1 और ये इधर वाला 2, यानी स्ट्रेट लाइन में जिसको हम लोग क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन बोलते हैं, उसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर एक एटम का 2 हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगह जो है आपने देखा कि क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब इसमें आप यहाँ पर जरा गौर करिए, देखिए यह एक एटम है और ये एटम कितने एटम्स के क्लोज कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 एटम इसके क्लोज कांटेक्ट में है। इसीलिए ये जो टू डायमेंशन में अगर इस बीच वाले एटम का अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें, तो इसके, चूंकि इसके कांटेक्ट में 6 एटम्स हैं, तो इसीलिए इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, अगर और आगे भी हम लोग देखेंगे कि इसका किस तरह का स्ट्रक्चर्स जो है हम लोग इसको देखते हैं। जैसे देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज लेस इफिशियंट देन हेक्सागोनल पैकिंग इज यूज इन द थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स, जैसे ए बी टाइप और SCP टाइप। SCP यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर
इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक बीच में है और फिर ये ऊपर में एक दूसरा लेयर हो गया। तो मान लीजिए ए बी, फिर ये ऊपर वाला लेयर ए हो गया। इस तरह से वो आगे की ओर प्रोसीड करता है। अब देखिए कि इसमें है कि एवरी थर्ड लेयर इज वर्टिकली आइडेंटिकल। अब हम लोग देखेंगे ए बी सी, ए बी सी मतलब इसमें ये बेसिकली जो है आपके एक जो स्ट्रक्चर होता है जिसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग पैक्ड बोलते हैं, सीसीपी का मतलब हुआ और एफसीसी का मतलब हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो लेयर्स होंगे, तो जैसे एक पहला लेयर, जैसे मान लीजिए आप ए बी सी, ए बी सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लेयर डिफरेंट हैं, लेकिन ये तीन तीन के ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट तीन एक जैसे लेयर होंगे, फिर अगला जो होगा वो ए से शुरू हो जाएगा, फिर जो जब तीन पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद ए बी सी से शुरू हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, मान लीजिए इस पीले वाले को ए मान लीजिए, ये जो रेड वाले को बी मान लीजिए और ब्लू वाले को सी मान लीजिए, ए बी सी, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स ऊपर की ओर प्रोसीड करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें भी आप देखेंगे ए बी सी और फिर वो ऊपर ए बी सी, इस तरह से ये एक दूसरे पे लेयर बनाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है जैसे वॉयड और इंटरस्टेशियल स्पेसेस। अब ये वॉयड क्या होता है, जब ये क्रिस्टल आपस में जुड़े होते हैं तो इनके बीच में ना कुछ जगहें बच जाती हैं, तो उसी के कारण से, और वो जो जगह बच जाती है उसको वॉयड बोलते हैं, मतलब वो एक प्रकार का खाली जगह हुआ। तो वॉयड जो है जनरली दो तरह के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉयड होता है और ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉयड होता है। इसके अंतर्गत आप समझेंगे कि जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर में होता है तो पहले लेयर का वॉयड और दूसरे लेयर का वॉयड दोनों आपस में जुड़ जाता है, और जुड़ जाने के बाद जो है एक खाली जगह का एक अपना स्ट्रक्चर बना देता है। तो उसी को यहाँ पर बताया जाएगा। अब आप लोग, हम लोग देखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल वॉयड जो है वो बेसिकली क्या है। देखिए वॉयड इनक्लोज्ड बाय फोर पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें चार पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद जो इनके बीच की जो जगह बचेगी वो टेट्राहेड्रल वॉयड्स के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा ये हो गया एक सेकेंड, जैसे आप यहाँ देखें कि इस स्ट्रक्चर में देखें कि वन टू थ्री, थ्री में आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक प्रकार का जहाँ वाई वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बीच में ये वॉयड बना हुआ है, लेकिन ठीक इसके ऊपर में भी एक एटम है, तो एक स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर के कारण नीचे वाला यानी ये जो आपका वाई है और इसके ऊपर में जो एक एटम आएगा, उन दोनों के कारण जो बीच का जो शेप बनेगा वो इस तरह का ट्रायंगुलर टाइप के एक टेट्राहेड्रल जो है शेप का एक ये जो है इसके अंदर वॉयड होगा, इसीलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉयड भी बोला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉयड। अब देखिए जरा सा इसमें कैसे होता है। बेसिकली इसमें जो है सिक्स पार्टिकल्स के इनक्लोज होने की बात होती है। अब आप इसको गौर करिए, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी आप लोगों ने पहले देखा था जिसमें क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, तो उसमें आपने देखा था कि जैसे एक एटम है तो उसके अंदर उसके कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होते हैं, क्योंकि बेसिकली वह एक एटम छः एटम्स के साथ आपस में जुड़ा होता है। तो उस तरह से जब वो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर गया तो एक एक इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बीच में एक्स है, तो ये जो शेप जब इसके ऊपर में लेयर जब चढ़ते जाते हैं एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर, तो फाइनली ये इस प्रकार का एक अंदर में स्ट्रक्चर बना देता है जो कि वॉयड होता है। तो इसको ऑक्टाहेड्रल वॉयड बोलते हैं, क्योंकि इसके जो एजेज होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल शेप के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पे है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या हुए, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेसिकली जो फेसेस होते हैं क्यूब के उसके तरफ होते हैं। ऑक्टाहेड्रल होल्स आर इंडिकेटेड बाय ओ एंड टेट्राहेड्रल होल आर इंडिकेटेड बाय टी। यहाँ पर देखिए, जैसे जहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो टी के द्वारा, जो ऑक्टाहेड्रल है वो ओ के द्वारा डिनोट किया जा रहा है। बेसिकली ये समझने की बात है। देखिए यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, है ना। देखिए अब सम आयनिक क्रिस्टल्स में आप देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर जो है FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्लोरीन का आयन एरी है और यहाँ देखिए बी स्ट्रक्चर में आपका सोडियम प्लस आयन होता है और सी वाला में आप देखिए रिजल्टिंग टू इंटरपनेटिंग FCC एरी, यहाँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो है स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे CSCL का भी स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, CF2 का दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली क्रिस्टल्स के जो है वॉइड्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो है टॉपिक बच्चों डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये डेंसिटी को मेजर करने की है, जिसको मैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ ए यूनिट सेल जो है आपको यहाँ पर निकालने के लिए बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आप मास को अच्छी तरह मैंने निकाल पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि मास ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। तो जैसे नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल जेड हो गया और मास ऑफ ईच एटम एम हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जेड इज़ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल एंड एम इज़ द मास ऑफ अ सिंगल एटम। जैसे मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, तो एम इज इक्वल टू एम बाई एन ए। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डेंसिटी जो है निकालने, एम जो है यहाँ पर कैपिटल एम मोलर मास हो गया और एन ए जो है आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, जिससे हम लोग फाइनली डिवाइड कर देते हैं तो एक एटम का मास हमारा निकल जाता है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, जैसे कि अब डेंसिटी हम लोग इसके पिछले वाले में देखते हैं जरा सा। अब जैसे डेंसिटी है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डेंसिटी निकालने के लिए मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये इक्वल टू हो गया जेड मल्टीप्लाइड बाय एम और ए क्यू। ए क्यू यहाँ पर क्यूब का वॉल्यूम हो गया। और फिर उसी जगह पर अगर हम यहाँ पर मास ऑफ द एटम की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं तो जेड मल्टीप्लाइड बाय एम ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय एन ए हो जाता है। तो फाइनली डेंसिटी जो होता है वो जो है जेड एम डिवाइडेड बाय ए क्यू एन ए हो जाता है। द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज द सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आउट ऑफ द फाइव पैरामीटर्स डी जेड एम ए एन एन ए इफ एनी फोर आर नॉन वी कैन डिटरमाइन द फिफ्थ वन। तो इस पे इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल भी करूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने आपको इसको बार बार देखना है और इस वॉइड के बारे में हम कुछ अगर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग या कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगते हैं तो आप ज़रा सा मैंने फिर से आप हमें पूछिएगा और इसका जवाब हम मैं आपको दे दूँगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंसफुल वॉचिंग। थैंक यू।